नमस्कार और सुप्रभात दोस्तों। फ्रीबीज, आपने टॉपिक देखा है, नाम लिखा है, आर फ्रीबीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। फ्रीबीज को समझाने से पहले मैं भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में लिखे दो शब्दों पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का सर्वोच्च कार्य है कि सभी जो चुनाव हो वो पूर्ण रूप से न्यायप्रिय एवं मुक्त होने चाहिए किसी भी अन्य आपराधिक या धन से संबंधित गतिविधि से, जिससे कि भारत का लोकतंत्र पूर्ण रूप से मजबूत रहे। लेकिन फ्रीबीज एक ऐसा सिद्धांत आया है जिसने बड़ी ही स्ट्रिक्ट तरीके से, बड़े ही विचित्र तरीके से भारत के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको प्रभावित किया है। लेकिन आज का जो मैं निर्णय आपका, जो आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं, वो केवल चुनाव की या राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है। फ्रीबीज का आर्थिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव होता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, क्या फ्रीबीज प्रभावित कर रहे हैं भारत की आर्थिक समृद्धि को। उससे पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी से संबंधित जो हमारा फाउंडेशन कोर्स था उसको हमने एक दिन के लिए एक्सटेंड किया उस कंसेशन को, तो फ्लैट 70% और एक्स्ट्रा 25% के साथ आपको वो कोर्स आज के लिए, केवल और केवल आज के लिए उपलब्ध है। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडित। चलिए चलते हैं, न्यूज क्या है। अपने एक एड्रेस में जो कि दिया था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भारत के सर्वोच्च इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित इस जो विद्यालय है, जहां कॉलेज है, जहां पढ़ाई होती है, उससे संबंधित सर्वोच्च महाविद्यालय जहां मास्टर्स की डिग्री होती है, कई लोग पीएचडी भी करते हैं वहां से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली में स्थित है ये, और हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज के क्षेत्र के पास में है। मैं गया हुआ हूं इसलिए मुझे मालूम है कि एन के सिंह साहब जो है 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है, उन्होंने इस तरीके की बात की और उन्होंने कहा, वॉन्ट अबाउट हाउ द रेस टू प्रोवाइड फ्रीबीज टू वोटर्स कुड बी अ क्विक पार्ट टू फिस्कल डिजास्टर, कि अगर यही फ्रीबीज का सिद्धांत चलता रहा तो कहीं ना कहीं राजकोषीय आपदा हर राज्य और सेंटर के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि फ्रीबीज कुड बी हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड एम्फसाइज्ड द नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ वेलफेयर स्पेंडिंग। ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रोडक्टिव वेलफेयर स्पेंडिंग क्या होती है और अनप्रोडक्टिव वेलफेयर स्पेंडिंग क्या होती है, दोनों की ही चर्चा करूंगा। ये देखिए, द हिंदू ने भी इस आर्टिकल को बहुत प्रॉपरली विकास दूत साहब ने लिख के बताया, April 19 की न्यूज है, ऑल द पुरानी है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको और मुझे समझना होगा कि फ्रीबीज एक्चुअली क्या होते हैं और उनका भारत की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हम लोग आने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को ही ये आर्थिक जो बोझ है, जो फिजिकल समस्या है, राजकोषीय समस्या है, उसको ना केवल देखना होगा बल्कि उसको सॉल्व भी करना होगा। व्हाट इज फ्रीबीज, अब बात करते हैं कि फ्रीबीज एक्चुअली क्या होती है। समथिंग दैट इज अ डोल और अ गिफ्ट गिवन टू द पॉपुलेशन, जो कि जनसंख्या को एक उपहार के रूप में दे दी जाती है। उसके बदले में कुछ नहीं लिया जाता है, ना उसके बदले में कोई पैसा लिया जाता है, ना ही उसके बदले में कोई कार्य कराया जाता है। प्रोडक्टिविटी अब उसको खरीदने में कुछ तो धन लगा होगा। पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करती हैं टू ऑफर द फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आपने कई जगह देखा होगा, दिल्ली का बहुत सरल उदाहरण है जहां 200-300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी गई है। वाटर सप्लाई की भी बात करते हैं कि वे मुफ्त बिल हटा देंगे और पानी की सप्लाई होती रहेगी। मंथली अलाउंस टू अनएम्प्लॉयमेंट ये भी किया जाता है। डेली वेज वर्कर्स एंड वुमेन एज वेल एज गैजेट्स लाइक लैपटॉप, कुछ जगह लैपटॉप भी मुफ्त में बांटे जाते हैं, कुछ जगह स्मार्टफोन्स भी मुफ्त में दिए गए इन द ऑर्डर टू सिक द वोट ऑफ द पीपल, लोगों के वोट को पाने की चाह में उन्हें मुफ्त में सामान दे देना ही एक तरीके से फ्रीबी की एक प्रक्रिया है। द स्टेट्स हैव बिकम हैबिचुएटेड टू गिविंग फ्रीबीज, बी इट इन द फॉर्म ऑफ लोन वेवर्स और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, साइकिल्स, लैपटॉप्स, टीवी सेट्स एंड सो ऑन। मतलब कहने का ये है कि सरकार अपना प्रयास जितना कर रही है वो ये हो गई है कि भैया लोगों को बिना काम करे कुछ ना कुछ मुफ्त में देते रहो। अल्टीमेटली क्रक्स यही है, चाहे वो लोन वीवर हो। लोन वीवर का तात्पर्य होता है कि अगर किसी का कोई लोन है उसे माफ कर देना, उसे लोन चुकाने के लिए मजबूर ना करना, या फिर लोन चुकाने के लिए बैंक द्वारा रिकवरी की प्रक्रिया प्रारंभ ना करना और उसे अपने खातों से हटा देना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वर्तमान में चल रही हैं। अब इन फ्रीबीज के थ्रेट्स क्या क्या होते हैं, इन फ्रीबीज के कारण क्या क्या जटिलताएं, समस्याएं आपके सामने आ सकती है। वर्तमान समय में श्रीलंका का एक बहुत जटिल और ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है कि पूरी अर्थव्यवस्था का जो कोलैप्स हुआ है वो हम सबके सामने उपस्थित है और उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण ये फ्रीबीज ही है।
एज ए रिजल्ट द सब्जेक्ट ऑफ फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट्स हैज आल्सो बीन स्क्रूटराइज्ड। तो उसी को देखते हुए हमारे भारत में भी ऐसा प्रश्न उठ गया है कि क्या भारत में इस तरीके की फ्रीबीज दी जा रही है, भारत की भी यह स्थिति हो सकती है। As a corollary, the issue of freebies given out by Indian states has come out under the lens. तो इसीलिए ये चर्चा हो रही है और एनके सिंह साहब ने अपने डिस्कशन में इस मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से डीएससी में उठाया, क्योंकि जहां से आप ये समझ लीजिए मनमोहन साहब का भी पूरा संबंध डीएससी से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रहा है। श्री मनमोहन जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। Certain kinds of expenditure that are done under populist measures or with elections in mind may be questionable. कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई ये मुफ्त में दे दिया, क्या क्यों दे दिया मुफ्त में, किस पर्पस से दे दिया, आपके पास फिस्कल कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि वो पैसा जो सरकार मुफ्त में बांट रही है वो कहीं ना कहीं टैक्सपेयर की मनी से आता है, और कहीं ना कहीं क्या टैक्सपेयर की ही मनी से आता है। दूसरी चीज, उस मनी से और कुछ अन्य उत्पादक कार्य जैसे रोड बनाना, पार्क बनाना या फिर और भी कोई कार्य किया जा सकता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो, द गिवन दैट इन द लास्ट 30 ईयर्स देयर हैज बीन राइजिंग इनइक्वालिटी, जो असमानता है खासतौर पर आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है। Some kind of relief to the population in the form of subsidies, subsidies, freebies, दोनों ही शब्दों में बहुत अंतर है, इसको समझना है, वो भी मैं समझाऊंगा। May not be unjustified, but actually necessary for the economy to continue on its growth path. यद्यपि economic दृष्टिकोण से कहा जाए तो सहायक यानी सब्सिडी जिसे कहा जाता है वो भी वायबल नहीं है, लेकिन वो आवश्यक है देश को समृद्धि के पाथ पे ले जाने के लिए। अंतर क्या है बताऊंगा। पहले फिस्कल स्टेबिलिटी और फ्रीवीज का संबंध देख लेते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग इन कॉमन पैरेलल्स, फिस्कल स्टेबिलिटी मतलब राजकोषीय स्थायित्व की जो बात है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि सरकार अपने सभी राजकोषीय नीति है टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म सोचती है, बड़ी लंबी दूरी तक सोचती है कि यार आज के 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद, लेट से 5 साल बाद, 5 साल तो खैर मिडिल टर्म हो गया, 10 साल से ऊपर का जो समय है उसमें हमें किस प्रकार की राजकोषीय नीतियां रखनी है विच आर हाई एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट। तो उनका फोकस उस राजकोषीय नीति में किस पर होता है कि रोजगार सृजन हो और साथ ही साथ जो समृद्धि दर है वो भी ज्यादा तेज रहे, लेकिन उसके लिए उसे कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर सरकारें कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है तो ये जो रोज बेरोजगारी की समस्या है और निम्न समृद्धि दर की समस्या हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत होती है। दैट लीड्स अस टू द मेजर ऑफ फिस्कल स्टेबिलिटी, इसीलिए हमें राजकोषीय स्थायित्व की आवश्यकता होती है। ऑल्सो एज पर द स्टडी ऑफ स्टेट फाइनेंस कंडक्टेड बाय द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो देखा कि 2005 से लेकर उसके बाद से इन एग्रीगेट स्टेट्स हैव एडहेर्ड टू द लिमिट इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा होता है लगभग सभी राज्यों ने उसको निश्चित किया। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और जो सोशल एक्सपेंडिचर हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, उसके बीच में जो अंतर है फिस्कल डेफिसिट का वो कहीं ना कहीं अटक रहा है, वो फिस्कल रेवेन्यू नहीं बढ़ा है बल्कि उनका जो एक्सपेंडिचर सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में हो गया कंपेरेटिवली वो कम हुआ। ये इस रिपोर्ट की एक और खास बात है। द मैंडेट इज अंडर द सीलिंग ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन एक्ट, जिसके लिए अभी एनके सिंह कमेटी बैठी थी। एफआरबीएम एक्ट जो आया था 2003 में, जो कि हम 2008 में टारगेट था पूरा नहीं कर पाए ड्यू टू द रिसेशन इन 2008, उसको वापस से एनके सिंह साहब लेके आया। उसने अलग अलग तरीके से एक डेडलाइन लिमिट दी कि आपको ये करना है किन किन वर्षों में। द ओनली ईयर्स, कुछ वर्ष ऐसे हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं जिनमें की लिमिट ब्रीच हुई थी, उसके कुछ कारण थे अपार्ट फ्रॉम द पेंडेमिक ईयर्स। 2009-10 वर्ष एक क्राइसिस ईयर था जिसको मैंने तुम्हें बताया, और 2015-16 जो वर्ष थे उसमें पावर सेक्टर रिफॉर्म जिसमें कि उदय योजना आप लोगों ने नाम सुनी होगी उसकी डेप्थ को भी सॉल्व किया गया था। ये है फिस्कल डेफिसिट के ब्रीच होने के कुछ कारण। अब बात करते हैं कि सब्सिडी और फ्रीबीज में अंतर क्या होता है। फ्रीबीज का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक सेंस में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टैक्स पेयर की ही मनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार खुद का पैसा कोई पैसा नहीं होता, आपके मेरे हमें हमारे जो सगी संबंधी हैं वो जो टैक्स देते हैं उसी से सरकार के पास पैसा आता है और सरकार वही पैसा वापस देती है किसी ना किसी रूप में। अब यहाँ पे इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सिडी एंड फ्रीबीज, एज सब्सिडीज आर जस्टिफाइड न्यायप्रिय होती है और उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, स्पेशली टारगेटेड बेनिफिट होते हैं, लक्षित लाभ
देती हैं लाभार्थियों को लक्षित करके वो कार्य करती हैं, और आउट ऑफ डिमांड मांग के आधार पर निर्मित की जाती है। जैसे कि डीजल की सब्सिडी एक समय पर आवश्यक थी, जो फेयर प्राइसेस होती हैं गन्ने की वो एक समय की आवश्यकताएं हैं। ऑल्दो एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ राइट टू क्रिएट सब्सिडी इकोसिस्टम टू गिव टारगेटेड नीड सप्लाई टू द पीपल्स बेनिफिट, सब राज्यों सब जो सरकारें हैं उनके पास अधिकार होता है कि वो अपनी प्रक्रिया के हिसाब से सहायकी का निर्माण करें। देयर शुड नॉट बी अ लॉन्ग टर्म बर्डन ऑन द इकोनॉमिक हेल्थ, बट सब्सिडी किसी ना किसी कार्य को उत्पादक करती, आने वाले समय में उसका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। फ्रीबीज का एक्चुअली कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, साइकोलॉजिकल अगर नजरिए से देखा जाए तो लोग ज्यादा आलसी बनते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव स्पेंडिंग जो मैंने शुरू की दो स्लाइड्स में बात की थी उस पर हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। देर आर ऑलवेज वेज टू रीस्ट्रक्चर बैंक लोन, जिसकी मैंने बात की तुमसे कि भाई बैंक लोन वेवर कर दिया जाता है, लोन जो है समाप्त कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बैंक लोन देने लायक नहीं है तो उसे रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है कि ठीक है आप अभी मत दो, आप 4 साल बाद दे देना, आप 8 साल बाद दे देना, आप 10 साल बाद दे देना, लेकिन बैंक लोन दो, जिससे कि उसके दिमाग में बना रहता है कि हाँ भाई मुझे बैंक लोन देना, तो कुछ काम करता है और उस काम के परिणाम से कुछ ना कुछ उत्पादकता होती है, कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, या तो किसी को एम्प्लॉयमेंट देगा या किसी से धन लेगा और वो धन अर्थव्यवस्था में वापस आके जाता है। लेकिन जब इस तरीके का बैंक लोन का विवरण कर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या निकल के आती है। इन द इवन ऑफ डाउन इन द बिजनेस साइकिल और एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉक, की मैंने तुम्हें समझा दिया। वी कैन टॉक अबाउट द लोन वेवर्स इन द लाइट ऑफ वेदर एंड अदर रिस्क, कई कई बार ऐसा होता है कि भाई पर्यावरण इतना था, साइक्लोन बहुत ज्यादा बड़े आ गए या फिर सूखा आ गया, तो उस समय लोन वेवर करना एक लॉजिकल बात मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इट फेल टू ऑफस्टॉक शॉक्स इन द एग्रीकल्चर। ऑल्सो वी आर इन पोजिशन वेयर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटीज थे कैन बी यूज टू डिलीवर लोन वेवर्स डायरेक्टली टू द डिस्ट्रेस फार्मर एंड द कॉस्ट ऑफ द वेवर इज इमीडिएटली टेकन ऑन द गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स आर नॉट इन्वॉल्व, मतलब बैंक इन्वॉल्व नहीं है। बैंक की जो एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक सर्वे 2016 17 17 18 में इस तरीके की चर्चा हुई थी कि ना केवल बैंकों की बैलेंस शीट है वो खराब है, बल्कि जो कई बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं और जो बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां उनकी भी बैलेंस शीट खराब है। तो ये कहना चाहती है लोन वेवर आप अपने हिसाब से, तो जिससे कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, अदर इंस्टीट्यूशन हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का वर्डन ना आए। द टेंडेंसी टुवर्ड अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग इज नॉट मोर प्रोनाउंस्ड एट द लेवल ऑफ स्टेट एज कंपेयर टू द सेंटर, आप ये ध्यान रखिए कि दोनों ही को ही किसी से कम नहीं है, दोनों आगे से आगे बढ़ के बात कर रहे हैं कि भैया सब्सिडी के बजाय फ्री भी दे दो। If you look at social sector expenditure, there is a rising trend at the level of states, but then the rising trend at the level of center is extraordinary high. कि पहले केवल राज्य भी ज्यादा कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र द्वारा भी इस प्रकार की फीस बहुत ज्यादा से तेजी से बांटी जा रही है। और इनका ये कहना है कि अगर आप कोर सेक्टर की स्कीम देखते हैं तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग हो गई है 65 से 68% तक हो गई है। तो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप में से किसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सीधे सरल से शब्दों में बताता हूं कि अगर आप एक बाइक खरीदते हैं तो वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपके पास एक एसेट आ रहा है, लेकिन उस बाइक को चलाने के लिए आपको रोज पेट्रोल डालना पड़ रहा है, वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है कि बाइक तो आपकी एक संपत्ति है, बट पेट्रोल क्या कोई उत्पादकता लेके आता है? नहीं। ऐसे ही एम्प्लॉयज को जो सैलरी दे देना है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन वहीं उसकी जगह रोड बना देना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि उस रोड पर व्हीकल्स ट्रेवल करेंगे, उस पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, माल की आवाजाही होगी और सभी उत्पादक कार्यों में उस जो एक्सपेंडिचर है उसका उपयोग लिया जाएगा। द इश्यू ऑफ अनप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्पेंडिंग शुड बी लुक्ड एट इन दिस लाइट एंड इन द लाइट ऑफ माउंटिंग इंटरेस्ट पेमेंट। हमारे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और खास तौर पे 2019 ने COVID-19 के कारण जो पेंडेमिक है उस समय भी हमने सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा उधार लिया, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट भी बहुत बढ़ गए, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि इफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज अचीव्ड पीपल विल नॉट वॉन्ट सच फ्रीबीज। यही प्रॉब्लम है आज की तारीख में, क्या एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, ग्रोथ रेट कम है, तो ऐसे में बजाय उन्हें फ्रीबीज देने के, क्योंकि फ्रीबीज एक सरल तरीका है, तुरंत लाभ मिल गया
उससे क्या हुआ कि वो आदमी बैठ गया, उसने एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं, तो तुरंत तो समस्या निपटा दी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे रोजगार नहीं मिला, इकोनॉमी का साइकिल खराब हुआ, सरकार का जो फिस्कल पैसा धन था, राजकोषीय मतलब समेकन था, वो कमजोर हुआ, सरकार का पैसा व्यर्थ की अनुत्पादक कार्यों में गया, इकोनॉमी डाउन हुई। इसकी बजाय क्या करो, आप थोड़ा रुको, आप कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, कोई कैपिटल फॉर्मेशन करो, और ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जिससे उन्हें पैसा मिले और वो पैसे से खरीदे, तो इकोनॉमी का साइकिल भी चलेगा। इन्होंने ये कहा कि अगर आर्थिक और सोशल डेवलपमेंट होगा तो इस तरीके के फ्रीबीज की डिमांड लोग ही नहीं करेंगे। ऑफरिंग रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल फ्रीबीज और सब्सिडी दैट कैन बी रेडिली अकोमोडेटेड इन स्टेट्स बजट डज नॉट हार्म एंड कैन बी लेवरेज्ड। उसको छोड़ा जा सकता है जिसको भारत के बजट के अनुरूप, जिसको भारत के बजट में डाला जा सके, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन है, उसे बताया जाएगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सब्सिडीज फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एंड यंगर चिल्ड्रन टू प्रोवाइडिंग फ्री फूड एट स्कूल आर एक्सीलेंट इनिशिएटिव, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बच्चा बड़ा होके कुछ कार्य करेगा, कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ ना कुछ स्किल से संबंधित कार्य करेगा, ऑन्ट्रप्रनोर बनेगा, बिजनेस शुरू करेगा, कोई ना कोई उत्पादक कार्य करेगा जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। लेकिन फ्रीबीज बहुत बड़ा हार्म करेगी। देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ फ्रीबीज फ्रॉम द इकोनॉमिक सेंस एंड कनेक्टेड विद द टैक्सपेयर्स मनी। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, और जो आर्थिक समस्याएं हमारी आने वाली पीढ़ी और हमें देखनी पड़ेंगे वो हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे। श्रीलंका का पुनः मैं उदाहरण देना चाहूंगा। इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सिडीज एंड फ्रीबीज, जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।